आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। भागलपुर के सुल्तानगंज से खगड़िया के अगवानी तक बन रहे पुल के निर्माण में तेजी, इस वर्ष ही हो जाएगा उद्घाटन। आपको बता दें कि भागलपुर के सुल्तानगंज से खगड़िया के अगवानी तक 1710 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का काम तेजी से हो रहा है। वहीं इस वर्ष पुल के उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि इस पुल के निर्माण से लोगों को धार्मिक स्थल जाने में सुलभता होगी। वहीं जिले के किसानों और व्यापारियों को एक शानदार विकल्प भी मिलेगा। वहीं बता दें कि पुल की लंबाई 3.160 किलोमीटर होगी। दोनों ओर 25 किलोमीटर पहुंच पथ का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि पुल के बीच में डेक के नीचे डॉल्फिन पार्क लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। वहीं पुल की आधारशिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 फरवरी 2015 को रखी थी। वहीं हरियाणा के पंचकूला के SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इसका ठेका मिला। बता दें कि 2 मई 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर राकेश रंजन ने कहा कि अभी तक 80% काम हो चुका है। वहीं रात दिन 2 शिफ्टों में 1000 मजदूर दोनों ओर से काम कर रहे हैं। साथ ही पहुंच पथ का काम भी चल रहा है। बता दें कि 2 साल कोरोना के कारण वो पिछले साल बाढ़ के कारण काम में बाधाएं आई थी, लेकिन अब काम तेजी से हो रहा है। वहीं बता दें कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि पुल निर्माण निगम के अभियंताओं द्वारा तेजी से पुल का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं उम्मीद है निश्चित रूप से इस साल इसका उद्घाटन हो जाएगा। है उसमें निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। अप्रोच रोड का भी कार्य बहुत तेज़ी से पुल निर्माण निगम के अभियंताओं के द्वारा कराया जा रहा है। लास्ट ईयर ही इसमें जो भी ज़मीन की समस्या थी, हम लोगों ने मार्च 2021 में ही सारा क्लियर करा दिया था, तो उसके बाद से काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और उम्मीद हम लोगों की यही है और निश्चित रूप से इस साल में ये पुल जो है इस क्षेत्र को मिल जाएगा, इसका उद्घाटन हो जाएगा। ऐसी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर परिचालन इस साल जो है वो शुरू हो जाएगा। सर, पुल का निर्माण किस गति से चल रहा है? पुल का निर्माण अभी तक 80% काम हो चुका है, 20% काम बचा हुआ है, जो कि इस साल लास्ट तक जनता को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसका कॉस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो 1710.77 करोड़ रुपया है और अभी तक 80% काम हो चुका है। 1000 मजदूर डे नाइट शिफ्ट में वर्क कर रहे हैं। सर, ये बीच में डॉल्फिन का काम भी चल रहा है जो कि 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। उसके बनने से जो भी पर्यटक आएंगे वो पुल से जाते वक्त वहाँ रुक करके गंगा में डॉल्फिन का नज़ारा ले सकते हैं। इस साल काम अप्रोच रोड का काम भी जो है सो सुल्तानगंज साइड में 2 किलोमीटर में मिट्टी फिलिंग का काम हो चुका है और 2 किलोमीटर जो है कार्य प्रगति पर है, वो इस साल के जुलाई तक उसको फिल कर दिया जाएगा। भर तो ये काम पहले पूरा हो जाता है, क्या बाधाएं आई? 2 साल लगातार कोरोना के कारण जो है सो काम में वर्कर का प्रॉब्लम हुआ, जिसके कारण थोड़ा इसमें गति में काम में कमी आई और पिछले साल बाढ़ भी जल्दी आ गया, जिसके कारण जो है सो बीच में ही काम रुक गया था। और अगर इस साल सीजन बढ़िया रहा, पानी ठीक टाइम पर आएगा तो काम खत्म हो जाएगा। भागलपुर से श्याम सिंह की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहे लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।